करिएगा। दक्षिण दिल्ली के सरोनी नगर मार्केट में हमारे नॉलेज में 26 जनवरी को देखते हुए डीसीपी साउथ वेस्ट से इंगित प्रताप सिंह ने समाज की सुरक्षा को लेकर वॉलंटियर इन पुलिस सर्विसेज नाम की एक योजना का उद्घाटन किया। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए इस भीड़ भाड़ वाली मार्केट में इन वॉलंटियर्स का काफ़ी योगदान देखा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना है डीसीपी साउथ वेस्ट श्री इंगित प्रताप सिंह का। मार्केट में सुरक्षा का सरोजिनी नगर मार्केट के वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी कर्ता-कर्ता हैं सबको मेरी तरफ से स्वागत है और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सबका कि आप लोगों ने हमको हमेशा कोऑपरेशन दिया है। जितने भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स हम लोग लेना चाहते हैं और आज के टाइम में जैसे 26 जनवरी पास आ रहा है हम लोगों को हमेशा से आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन मिलता रहा है और इसी कोऑपरेशन के मद्देनजर हम लोगों ने ये नई स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया है। हमारे एसीपी साहब वीकेपीएस यादव साहब यहाँ पे जस्ट अभी ज्वाइन किया है कुछ दिन पहले और यही का बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है। हमारी तो अनुमति चाहिए होती है वरिष्ठ अधिकारियों की और ये मेरे पास में आया था ये स्कीम का पूरा चिट्ठा लेकर के खाका लेकर के तो मुझे स्कीम बहुत अच्छी लगी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे इसको लागू किया जाए। इसलिए कई टाइम से हम लोग मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे और गार्ड्स होने चाहिए और ताकि क्योंकि पुलिस को एक फोर्स मल्टीप्लायर की ज़रूरत हमेशा होती है और 26 जनवरी भी आ रहा है और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेट हमेशा ही रहता है एंटी टेररिस्ट का तो इनसे कई बार बात हो चुकी है कि यहाँ पे गार्ड मल्टीप्लाई किए जाएं और ये जो स्कीम है ये शायद हम उम्मीद करते हैं ये उस जो हमारा कमी थी फोर्स मल्टीप्लायर की उसको पूरा कर देगी। तो आज की डेट में हम लोग तकरीबन 70 मेंबर्स यहाँ पे वॉलंटियर्स जिनको हम लोगों ने शामिल किया है अपनी स्कीम में उनको शामिल कर रहे हैं उद्घाटन कर रहे हैं स्कीम का। और ऑन ए लाइटर नोट मैं यही कहना चाहूँगा कि नए एसीपी साहब जो आए हैं उनका नाम वीकेपीएस है और मैं बाई नेम आईपीएस हूँ तो उसको जोड़ दिया जाए तो वीआईपीएस बन जाता है। तो यहाँ के एसीपी साहब और हमारा ये ब्रेन चाइल्ड है आपसे गुजारिश यही रहेगी इसको फेल मत होने दीजिएगा और मोटा मोटा मैं अपने मीडिया के साथियों के लिए बता देना चाहूँगा कि फर्स्टली तो एंटी टेररिस्ट मेजर्स के चलते ये स्कीम लॉन्च की जा रही है और इसके अलावा जो छोटे मोटे क्राइम्स हो जाते हैं कभी कभी मोबाइल स्नैचिंग के चोरी के पर्स छीनने के या पर्स की चोरी के तो ये पिक पॉकेटिंग के इस तरह के भी जो चोर हैं उन पे भी ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो नज़र रखेंगे। किसी भी तरह की सस्पिशियस कोई भी एक्टिविटी होती है संदिग्ध गतिविधि जिसको हम कहते हैं तो उस पर ये नज़र रखेंगे और हमारे बीट स्टाफ के संज्ञान में लाएंगे हमारे SHO साहब के संज्ञान में लाएंगे। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा और एक बार फिर से मैं सभी वॉलंटियर्स का स्वागत करता हूँ इस स्कीम में। तो फ्रंट में हो जाइएगा। सर आज का जो कार्यक्रम है वॉलंटियर्स इन पुलिस सर्विसेज इसका क्या उद्देश्य रहा और आज के वॉलंटियर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी एक तो दिल्ली में 26 जनवरी का पर्व आ रहा है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है तो उसके चलते हम लोग एंटी टेररिस्ट मेजर्स लेते हैं तो इसी को बैकग्राउंड में रखते हुए हम लोगों ने ये वॉलंटियर्स इन पुलिस सर्विस स्कीम लागू करी है जिसमें ये जो वॉलंटियर्स हमने आज शामिल करे हैं अपनी स्कीम में इनकी तादाद करीब 70 है और ये यहीं के वर्कर्स हैं शॉपकीपर्स हैं जिनको हमने एज आइज एंड ईयर्स वॉलंटियर के तौर पे शामिल किया है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पे ये लोग नज़र रखेंगे विद रिगार्ड्स टू एंटी टेररिस्ट मेजर
और न केवल वो लॉन्ग टर्म में ये कहा जा सकता है कि छोटे मोटे जो चोरियां होती हैं, पिक पॉकेटिंग, जेब तराशी, किसी महिला का पर्स जो है छीन लिया जाता है या चोरी हो जाता है, तो उस तरह की छोटी मोटी चोरियों पे, फ्रॉड पे भी ये नज़र रखेंगे। इनको क्या सर कुछ ट्रेनिंग दी गई है, ब्रीफिंग दी गई है इस तरह की? इनकी थोरो ब्रीफिंग हुई है और इनफैक्ट जो हमारे ACP साहब हैं, ये अपने ड्यूरिंग इंस्पेक्टर टेन्योर यहीं पे SHO रह चुके हैं, उस टाइम पे भी ये स्कीम को लाए थे और इनको चुना गया है काफ़ी कड़े मशक्कत के बाद में, और इनके एंटीसीडेंट्स भी वेरीफाई कर लिए गए हैं। और आज इनकी ब्रीफिंग में मैंने भी ये बोल दिया है कि क्योंकि अमूमन देखा गया है कि पावर का मिसयूज़ हो जाता है, तो उस तरह का मिसयूज़ ना हो और अपने लेवल पे किसी भी चीज़ को हैंडल करने का प्रयास ना करें, हमारे संज्ञान में लाएं और हम विल प्रोसीड लीगली। ये 26 जनवरी तक ही रहेगा या नहीं आगे भी? ये 26 जनवरी तक नहीं, ये इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एज आई सेड, कि छोटे मोटे चोर जो हैं, छोटी मोटी चोरियाँ हैं, उन पर भी ये नज़र रखेंगे। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल सरोजिनी नगर मार्केट। हिंदुस्तान जो है त्योहारों का देश है, यहाँ पे कभी 26 जनवरी, 15 अगस्त और कभी दिवाली, कभी दशहरा, पूरे साल ये चलते रहते हैं। तो उद्देश्य ये है कि सरोजिनी नगर मार्केट में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पर्सनल, जितने भी गार्ड रखे जाएं या वॉलंटियर तैयार किए जाएं, क्योंकि मार्केट में भीड़ बड़ी रहती है, कस्टमर की तादाद बहुत है, एक अच्छा एक साइन है हमारी सरोजिनी नगर मार्केट के लिए DCP SHO साहब की, कि यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है और सुरक्षा के, क्योंकि ये 2005 में यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हो चुका है, कई जाने जा चुकी हैं, तो हमारे ये जो गार्ड है, वॉलंटियर हैं या दिल्ली पुलिस मिलके जो सहयोग करेगी पब्लिक का, सिक्योरिटी करेगी दुकानदारों की और पब्लिक की, एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो हमारे एरिए के दिल्ली पुलिस के अपने जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं उनके द्वारा। ठीक है शर्मा जी, आपका मार्केट के अंदर क्या रोल रहता है और किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरह से आपको तैयार? देखो, पहले ये संस्था ब्रिटिश में थी, अब ये भारत में पहली संस्था है BIPS। ये बहुत साल पहले हमारे ACP साहब ने बनाई थी और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। संजय भाटिया साहब थे, उन्होंने उद्घाटन करा था, आज DCP साहब और SHO साहब के सभी के सहयोग से और मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से ये काम पूरा हुआ। और निस्वार्थ सेवा, देश की सेवा का एक जज्बा है, कैसे हमें आतंकवाद को ख़त्म करना है और क्राइम को ख़त्म करना है, कंधे से कंधा मिला के सभी एसोसिएशन हमारा सहयोग दे रही है और दिल्ली पुलिस का सारा स्टाफ पूरी मार्केट में हमारे साथ चलेगा और मुहिम चलेगी कि लावारिस चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, अपने पर्स मोबाइल का ध्यान रखें, जेब कतरों से सावधान। ये क्राइम को ख़त्म करने के लिए बहुत संस्था है जिसकी जितनी तारीफ फरज है काबिले तारीफ है। बहुत बड़ा आतंकवाद का यहाँ पे धमाका हुआ था जिसमें 50 लोग मरे थे और 127 घायल हुए थे, वो हम लोगों ने अपने साथ साथ आंखों से देखा। उसके बाद धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ी, फिर हमारे यहाँ जो यादव साहब नए ACP साहब आए हैं, उन्होंने ये 2 साल पहले भी ये स्कीम लागू करी थी और अब इन्होंने आते ही यहाँ पे फिर ये स्कीम लागू करी है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी मार्केट में रोज़ाना 20-30 टेलीफोन पब्लिक के निकलते हैं, जेब कतरे हैं कई, और फिर यहाँ चारों तरफ जो मकान हैं वो टूट चुके हैं जिससे सुनसान बहुत इलाका रहता है। तो हम लोगों ने पुलिस को बोला भी था कि यहाँ पे लाइटें वाइटें जहाँ अंधेरा है उस चीज़ को देखा जाए ताकि यहाँ पे इस तरीके की चोरियाँ हो रही हैं जो वो रोकी जाए। दिल्ली पुलिस ने, हमारे DCP साउथ वेस्ट ने एक ही अच्छा काम करा है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी मार्केट के जो लड़के होंगे जो दुकानों में काम करते हैं, कुछ पटरी पे अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उन लोगों को वॉलंटियर बनाया हैगा, तो एक अच्छी स्कीम है। बल्कि इस तरीके की स्कीम हर डिस्ट्रिक्ट में हो तो शायद क्राइम पर रोक लग सके। इससे टाउन प्लानिंग कमेटी मेंबर हूँ NDMC में। जी जिम्मेदारियां ये, जितना भी यहां पर समाज में किसी भी तरह की कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो सके, छोटी मोटी चोरियां ना हो सके और सभी तरह किसी भी तरह का कोई भी घटना होती है उस पर पूरी मार्केट में हमारे जितने वॉलंटियर हैं वो नज़र रखेंगे और समय समय पर जा जाकर प्रत्येक जगह पर लोगों को जागरूक भी करते हैं। इससे पहले सन 2005 में हमारे BKPS यादव साहब ने यही बनाया था, उसके बाद लगातार उन्होंने इसका पूरा योगदान भी दिया और बहुत अच्छा काम भी किया। हमारे यादव साहब जब यहाँ पर SHO साहब थे तब उस समय प्रत्येक चौराहे पर जाकर माइक लेकर लोगों को जागरूक करते कि सभी लोग सजग रहें, सभी लोग होशियार रहें, किसी भी तरह की कोई
गतिविधि ना यहाँ पर पनप पाए। और आज SHO साहब हमारे यहाँ ACP साहब बन के आए जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और इसमें तन मन धन से वॉलंटियर भी उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हैं और उनकी ट्रेनिंग भी उन्होंने दी है। पहले भी ट्रेनिंग दे चुके थे, फिर ट्रेनिंग दी हुई है। समय समय पर सभी लोग उनकी साथ रहेंगे और आज DCP साहब ने उसका उद्घाटन भी किया हुआ है और साफ सफाई का पूरा जितना भी ध्यान है समाज में पूरा जो भी अच्छे से अच्छा काम है उसके लिए सक्रिय रहेंगे। धन्यवाद।